नमस्कार, सदियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन यूनिट वाराणसी की टीम ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर दिनांक 24 मार्च को पैमाइश के नाम पर 5000 रुपये की रिश्वत लेते मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र से रामगिरी नामक लेखपाल को एंटी करप्शन यूनिट वाराणसी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वालों से बात करते हुए प्रभारी एंटी करप्शन टीम वाराणसी के निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कजरहवा पोखरा निवासी शिकायतकर्ता राम गंगा यादव पुत्र स्वर्गीय बाबू राम यादव द्वारा भ्रष्टाचार निवारण इकाई वाराणसी को दिनांक 22 मार्च को शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें जांच कराया गया तो मालूम हुआ कि पैमाइश के नाम पर रामगिरी लेखपाल द्वारा 5000 रुपये की मांग की गई थी। जिस संबंध में दिनांक 24 मार्च को टीम के साथ तहसील गेट के सामने राजेश फोटो स्टेट की दुकान पर शिकायतकर्ता से 5000 रुपये लेते हुए रामगिरी नामक क्षेत्रीय लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कल इन्हें भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव, प्रभारी एंटी करप्शन वाराणसी। कैसे आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या आप लोग को सूचना थी? और हम बता रहा हूँ, घटना ये है कि शिकायतकर्ता गंगाराम यादव सरनाम स्वर्गीय बबू राम यादव निवासी कजरावा कपूरा तरकापुर कोतवाली शहर मिर्जापुर द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 22/3/2022 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई को दी गई थी। जिस सूचना प्रार्थना पत्र के आधार पर इसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि पैमाइश के नाम पर लेखपाल श्री रामागिरी द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला ट्रेप किए जाने योग्य पाए जाने के उपरांत आज दिनांक 24/3/2022 को टीम के साथ तहसील सदर गेट के सामने राजेश फोटो स्टेट की दुकान पर शिकायतकर्ता से 5000 रुपया रिश्वत लेते हुए क्षेत्रीय लेखपाल रामागिरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, आप कहाँ लेके जाएंगे? विधिक कार्रवाई शहर कोतवाली मिर्जापुर में विधिक कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई के पश्चात कल इनको जो है भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।